भारत को मंदिर मालिनी देश बोली कहुए आम देश में एमती अनेक मंदिर रही जार कला भास्कर्य लोक विस्मित करपरी एक निरा मंदिर होंध्र प्रदेश अनंतपुर जिले में लेपाखी मंदिर यह मंदिर सबुठ विशेष एवं रहस्यमय कथा यार एक स्तंभ शून्य झुलू कि आज पर्यंत यार रहस्य कहीं जापारती ना यह मंदिर इतिहास और कलाकृति एठाक आसुवा भक्त और पर्यटकों आकर्षित करें यह मंदिर संपर्क भी अनेक लोककथा रही किंवदंती अनुजाई जिते बड़े रावण सीता को हरण करते माता सीता बचाईवाक पछे पछे जा फल रावण जटायु पक्ष को काटिदेवे क्षत विक्षत हो पड़ रही थे यह स्थान राम सीता खोजुवा समय जटायु को क्षत विक्षत अवस्था पड़ देखा पाई और जटायु को देखी कही ले पाखी अर्थात उठ पक्षी ले पाखी एक तेलुगु शब्द से ही अनुसार मंदिर नाम लेपाखी होठारे जटायु राम को रावणर ठिकना कही मंदिर में एक बड़ पाद चिन्ह रही जहाँ त्रेतय युगर बोली विश्वास कराए कहीं कहीं यह भगवान रामों पाद चिन्ह बोली विवेचना करती तेबे मंदिर पक्षर एक झुलंता स्तंभ पर विशेष पूजा विधि रही मंदिर 70 स्तंभ उपरे ठिया हो रही जहाँ मध्य गोटे स्तंभ माटी को न छुई सर्वदा झुलंता अवस्था रही है यह विशेषतापी यह ह्यांग स्तंभ मंदिर व झुलंता स्तंभ मंदिर कहुच्छे लेपाखी मंदिर से ही अन्य स्तंभ आकाश स्तंभ भाव जनाशुआ एक स्तंभ भूमि प्राय अधा इंच उपरक उठी रही स्तंभ तले किसी जिनस बाहर करवा द्वारा घरे सुख एवं समृद्धता आसी था विश्वास कराए यह कारण आसुवा लोक मैंने स्तंभ तले कपड़ा काढ़ी नि सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा स्तंभटी एपरी झुली रहिबार कारण वैज्ञानिक मैंने खोजी पा ना यह मंदिर 1583 ख्रीष्टाब्दे निर्माण करपन्ना और बीरुना नामक दुई भाई या ये दुई भाई विजयनगर राजा करुले श्रद्धा मैंने खम्ब और भूई मझे फांका कपड़ा स्थापन करी घरे नहीं पूजार्चना करपरी द्वारा घर को माँ लक्ष्मी आगमन हुए बोली विश्वास रही सारा विश्व पर्यटक बुलवाक आसी था। ब्यूरो रिपोर्ट खबर ओडिसा।